कहाँ गई? फाइनली आई मेट हिम। ये लड़की मेरा घर पूरा दिखा रही है, मेरे अपार्टमेंट से लेके मेरे घर तक का पूरा रास्ता दिखा रही है। मैं चाहूं तो इसको प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए इसका चैनल अभी के अभी रिपोर्ट मार के डिलीट करवा सकता हूँ। फाइनली मैं ट्रिगर्ड इंसान के घर पर आ गई हूँ। वो रहा उनका घर, शुक्रा इंसान। ओ सॉरी सॉरी, चलाना भूल गया। दरवाजा खोले यार प्लीज, उनसे मेरी अच्छी बनती है। हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा, एक तो इसकी शक्ल देखती है ना, मेरे को पता नहीं इतना गुस्सा आने लग जाता है ना, जितनी ये वीडियोस मेरे ऊपर बना चुकी है, अब कैसे नहीं आएगा। चल देना, क्योंकि आज मैं मिलने जा रही हूँ ट्रिगर्ड इंसान से। तो अगर आपको ईमानदारी से बताऊँ तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था उनसे। अरे तू मेरे ऊपर 600 वीडियोस बना चुकी है मेरे बारे में बकवास करने के लिए, और आज तू मेरे से मिलने आ रही है तो इतना ज्यादा खुश हो रही है? मिलने का एकदम से मैंने प्लान भी नहीं बनाया था, बट मुझे लोग बोल रहे थे कि भाई ट्रिगू भैया बहुत अच्छे हैं एंड वो बहुत। हाँ ट्रिगू भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि तेरे जैसे आके मेरे बारे में बकवास बोलते रहेंगे और मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा कि हाँ जी आप लगे रहिए, आप करते रहिए। अच्छे से आपसे मिलेंगे, आप एक बार उनसे। नहीं, तेरे से बिल्कुल अच्छे से नहीं मिलूंगा। अगर तू सच में कभी मेरे घर पे आ गई ना, मैं कसम से दरवाजा बंद कर दूंगा तेरे मुंह पे। तेरे से बिल्कुल नहीं मिलूंगा मैं। चाहिए, आप हमेशा उनसे लड़ती रहती है वीडियोस बना बना के, तो आप एक बार बना बना के चाहिए आप उनसे ऐसे पर्सनली मिलके देखिए कि वो कितने अच्छे हैं, कितने क्यूट है। तू मेरे से पर्सनली मिलने बिल्कुल मत आ जाइयो, क्योंकि तू मेरे सामने पर्सनली मिलने आ जाएगी ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं तेरे को रियल लाइफ ब्लॉक करूंगा। ऑनलाइन ब्लॉक कर रखा है वो अलग चीज होती है, मैं तेरे को रियल लाइफ ब्लॉक करूंगा। टॉक टू माई हैंड लेजिट, तेरे लिए भाई यू डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। इस दुनिया में अगर एक प्राणी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वो तू है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर लोग बोल ही रहे हैं तो एक बार चलते हैं, क्योंकि वो लोग बोल ही रहे हैं तो चलते हैं। लोग तो तेरे को ये भी बोल रहे हैं कि तू वीडियोस मत बना कर ऐसी बकवास वाली, तो वो तूने कर लिया। लोग तो तेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तू तो कमेंट्स डिसेबल करके बैठी हुई है। लोग बोल कह रहे हैं, कमेंट्स तो डिसेबल्ड पड़े हैं तेरे। दिल्ली में ही रहते हैं, मैं भी अभी दिल्ली में ही हूँ, तो ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है। दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में हूँ। एक काम करना, पूरा एड्रेस लीक कर दे। वो तो वैसे करा है इसने वीडियो में। एक फ्रेंड से एड्रेस लिया था और पापा से मैंने रास्ता पूछ लिया कि कैसे जाना है उसके। एड्रेस तो मैं देखती हूँ बताऊंगी या नहीं। पापा से मैंने पूछ लिया था अभी कुछ टाइम पहले, तो तेरे पापा को सौरव जोशी ने जला दिया था, तेरी वीडियो थी, सौरव जोशी बर्न्ड माय फादर ऐसा करके कुछ। चलो अगर ट्रिगर्ड इंसान अच्छे से मिले तो नहीं बताऊंगी, और नहीं मिले तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगी। लीक करके देख तू मेरा एड्रेस, तू लीक करके देख, मेरे को तो और ज्यादा प्रूफ चाहिए तेरा चैनल उड़वाने के लिए, तू लीक कर। ठीक है, सो गाइस अभी निकलते हैं घर से एंड चलते हैं। अच्छा, तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, मैंने किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आ गई हूँ यहाँ से, बस पकड़ूंगी, काफी सारे दूसरे लोग भी स्टैंड पर बैठ गए, मैंने कहा मस्त। और ये रही मैं, गर्मी बहुत है। Randomly, guys, मैं किसी भी अपने दिन का व्लॉग कर दूंगा और फिर मैं बोलूंगा मैं ट्रिगर्ड इंसान से मिलने गया था, मैं कैरी मिनाटी से मिलने गया था गाइस। सो मुझे तो इस स्टैंड के नेक्स्ट स्टैंड पर उतरना है, तो ये पता है तुम्हें कौन सी जगह है? ये जगह पता है तुम्हें कौन सी है? दिस इज नॉट इवन क्लोज टू माई हाउस। अभी थोड़ा वेट करते हैं बस से उतरने। इसने बोला नेक्स्ट स्टैंड है, मेरे घर से कम 1000 किलोमीटर दूर होगी वो जगह। के बाद मैंने रिक्शा ले लिया एंड होपफुली ये रिक्शा वाला भैया भी ट्रिगर्ड इंसान को जानता था, तो मैंने इनको बोल दिया कि भैया ये देखो राजस्थान की गाड़ी है और ये कह रही दिल्ली है ये। क्या मेरे को ट्रिगर्ड इंसान की सोसाइटी अपने आसपास घूमते फिरते कहीं भी ब्लॉग कर लिया और कह दिया मैं ट्रिगर्ड इंसान से मिल गई हूं, वहां से मैं खुद देख लूंगी। अच्छा चलो, ओके नेवर माइंड, दिल्ली की गाड़ी है तो मे बी दिस इज एक्चुअली दिल्ली। फाइनली मैं ट्रिगर। अब सुनो, अब फर्क सुनो बैकग्राउंड की आवाज का, और अब फर्क सुनना। आप सीधी बात है, अभी पूरा बैकग्राउंड का शोर आ रहा है, अभी मेरे घर पहुंच गई। मैं ट्रिगर की सोसाइटी के बाहर पहुंच गई वो। हाँ 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 हाँ, अब अचानक से आवाज में चेंज देख रहे हो, बैकग्राउंड का नॉइज गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी और की रैंडमली उठाई हुई वीडियो पे वॉइस ओवर लगा रही है। हाँ, पर टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो अभी जाएंगे उनसे मिलने, लेकिन पहले उनके सोसाइटी के बाहर का नजारा सब दिखा दे। पूरा एड्रेस लीक कर दिया इसने मेरा, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है यहाँ पे। आई कैन रिपोर्ट दिस वीडियो एंड टेक इट डाउन। यही गाड़ियां खड़ी है यहाँ पर, अंदर का भी नजारा देख लो सोसाइटी के अंदर। गाइज आज मैं आपको एक वेरी गुड सबसे बेवकूफ ये स्पॉन्सर है भाई, माय स्मार्ट वॉच एट 80% डिस्काउंट, माय window.shop, यू आर द मोस्ट इडियोटिक स्पॉन्सर्स आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड। और मैं कह रहा हूं तुम मेरे को करोड़ रुपया भी दो ना, तो तुम जैसे बेवकूफ स्पॉन्सर से मैं कभी अपनी वीडियो स्पॉन्सर ना करवाऊं, क्योंकि तुम इस जैसी क्रिएटर को जाके स्पॉन्सर कर रहे हो भाई, लानत है। समर सेल के बारे में बता, मतलब देर आर 100 क्रिएटर्स इससे ज्यादा अच्छे जिनके शायद व्यूज नहीं आते होंगे, उनको स्पॉन्सर कर लेते हैं, लेकिन इसको स्पॉन्सर कर रहे हो भाई, शर्म आनी चाहिए। अच्छा अब ये मेरे घर पहुंच रही है, तो अभी अंदर चलते हैं। मेरे को उनका घर नहीं पता था, तो मेरे को एक दीदी मिल गई।
ये मेरे अपार्टमेंट के मेरे घर के नीचे जो दीदी रहती है वो दिखा दी भाई, ये वाली इन्होंने बोला कि भाई मैं दिखा दूंगी ट्रिगर्ड इंसान कहाँ रहता है एग्जैक्ट लोकेशन। सो अच्छा वॉइस ओवर कर रहे हो, उस साइड रहती है और मेरे को इस साइड जाना है, इस साइड जिधर ट्रिगर्ड इंसान रहते हैं। ओके बाय दीदी। तो दो लड़के मिलने आए थे मेरे से, दो लड़के मिलने आए थे, ये तब की वीडियो है और इसने उनकी वीडियो YouTube से उठा के उसके ऊपर वॉइस ओवर चला दिया और अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ कैसे। बच्चे भी आए हुए हैं ट्रिगर से ऊपर, तो भाई ये देख लो बाहर से बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है। कुछ और बच्चे भी आए हुए हैं ट्रिगर से मिलने अच्छा के लिए। अब देख लो अंदर से भाई, देख लो सोसाइटी का हाल काफी ऊपर जाना है। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ बस में सफर करके, अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो हम बस कितना बुरा हुआ, मैं कितने गरीब अपार्टमेंट में रहता हूँ कि मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट भी नहीं है, तो तेरे को कोई दिक्कत है। चढ़े ही जा रहे हैं सीढ़ियों पे, चढ़े ही जा रहे हैं, पता नहीं कब आएगा उनका, अगर वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं। सब दिखा, तो हाँ अभी सारे एड्रेसेस लीक कर दे, सब कर दे, तब उससे ऊपर वाले पे रहते हैं। तो भाई हाँ काफी ज्यादा सीढ़ियां, आई थिंक लिफ्ट होनी जरूरी थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ। पता नहीं पायल मैडम थक गई है इसलिए मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट होनी जरूरी है, जब तू तो भाई क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की, तुम्हारे लिए लिफ्ट लगवानी चाहिए थी मेरे को। शेम ऑन मी, आई एम सो स्टूपिड, मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है। पायल जी आई थी मेरे अपार्टमेंट में और वो भी एक्चुअली नहीं आई थी, किसी और की वीडियो पे वॉइस ओवर लगा रहा है, उस वॉइस ओवर को करने में थक गई है ये बेचारी। लोग कैसे सफर करते हैं, ये रहा यही है ट्रिगर्ड इंसान का घर। या हम तो रोज चढ़ते हैं चार मंजिल, हम तो रोज चढ़ते हैं। उन दीदी ने बोला था कि बाहर लाइट्स लगी हुई है तो यहीं पे लाइट दिख रही है मेरे को, तो यही होगा। सो भाई हाँ लेजिट कोई बच्चा है उसके साथ, उसके वॉइस, उसकी वीडियो पे वॉइस ओवर किए जा रही है। तो अभी कुछ और बच्चे भी हैं मेरे साथ जो कि ट्रिगर से मिलना चाहते हैं। कुछ और बच्चे भी हैं इसके साथ जो मेरे से मिलना चाहते हैं। बस एक ही बच्चा है, कुछ और तो नहीं, बस एक ही बच्चा है। मैं इसकी हर बात पे क्यों रोस्ट कर रहा हूँ इसको, बावली लड़की है, कुछ भी बोली जा रही है। बजाना है मतलब बेल बजानी है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, तो ये अब गेट बजाना है मतलब बेल बजाना, लड़के का हाथ है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगी, अच्छा नहीं लगता है भाई। सुनो क्या बोला, थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगी यहाँ पर क्योंकि अच्छा नहीं लगता है भाई कोई आए और हम उसकी वीडियो बना ले बिना पूछे पहले। तो ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके मेरे घर तक तू पहुंच गई है, कैमरा तेरा ऑन है, मतलब वो तो तेरा भी कैमरा नहीं है ऑन, बट एटलीस्ट वॉइस ओवर तो ढंग से दे ले। परमिशन लूंगी उसके बाद बनाऊंगी। तो बेल बजा दी है अभी। अच्छा। तक कोई आया नहीं है, देखते हैं कौन दरवाजा खोलने आता है। ये रहा बच्चा। एंड ओके तो ये शायद ट्रिगर्ड इंसान की मेड है, ये तो उनकी मम्मी जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ना बहन है। अच्छा फिर नमस्कार दोस्तों नहीं मिला ट्रिगर्ड, अपने घर पहुंची हूँ मैं, इतनी ज्यादा चिलचिलाती धूप में और गर्मी में ट्रिगर्ड इंसान से मिलने उनके घर गई थी, बट मैं वहां से वापस आ चुकी हूँ। अभी मैं अपने घर आई एंड आते ही मैंने सबसे पहले नहाया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, और उसके बाद मैंने खूब सारा ठंडा पानी पिया बिकॉज वहां पे किसी ने मेरे से ठंडा पानी के लिए नहीं पूछा। मैं इतनी दूर से गई थी, मैं अपनी वाटर बॉटल लेकर गई थी अपने साथ, लेकिन मेरा पानी गर्म हो गया, तो मेरे को लगा था ट्रिगर्ड इंसान के घर जाऊंगी तो वो कम से कम मेरे से पानी के लिए पूछ लेंगे, बट गाइस उन्होंने मेरे से पानी के लिए कैसे पूछ लेंगे ट्रिगर्ड इंसान, अगर ट्रिगर्ड इंसान मिले ही नहीं। हेलो इज देयर एनी लॉजिक, अगर मैं घर पे ही नहीं हूं तो मैं पानी के लिए कैसे पूछूंगा। पानी के लिए नहीं पूछा, ट्रिगर्ड इंसान ने दरवाजा नहीं खोला था, ना उनके घर के किसी और सदस्य ने दरवाजा खोला था, उनके घर पे जो महिला काम करती है उन्होंने दरवाजा खोला था, मतलब काम वाली बाई ने दरवाजा खोला था। एंड जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने पानी के लिए नहीं पूछा, और अब तो इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मेरी मेड ने कहा पानी नहीं पूछा तेरे से, और वैसे तो अच्छा किया नहीं पूछा, बट इसमें मेरी क्या गलती है। चल ठीक है उनकी कोई गलती नहीं, अगर ट्रिगर्ड इंसान ने उनको बोल के रखा होता कि अगर कोई सब्सक्राइबर आए तो पानी के लिए पूछ लेना तो वो पूछ लेती। तो अगर मैंने अपनी मेड को बोला होता कि अगर कोई सब्सक्राइबर आए तो उनसे पानी के लिए पूछ लेते तो वो पानी के लिए पूछ लेती, और उन्होंने इसलिए पानी नहीं पूछा क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला। हाय रब्बा, मैं ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग YouTube पे एजुकेशनल वीडियोस बनाते थे किसी जमाने में, भाई रेस्ट इन पीस उनको जो इसकी वीडियोस देख के कुछ सीखते थे।
ओ, लेकिन ट्रिगर इंसान ने उनको नहीं बोल के रखा था इसलिए उन्होंने नहीं पूछा, तो उनकी कोई गलती नहीं है, ट्रिगर इंसान की गलती है। सही कह रही है। जोमेटो वाला स्विगी वाला भी आता है ना खाना देना, हम पूछ लेते हैं कि भैया पानी पियोगे। हमारे यहाँ भी कोई जोमेटो से स्विगी से या कोई भी डिलीवरी वाला आता है ना, इतनी गर्मी होती है बाहर, खुद से ही पूछते हैं कि भैया पानी पियोगे। बट थैंक गॉड मेरी मेड ने तुमसे पानी नहीं पूछा। अगर तुम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बाय चांस मेरे घर पे आ भी गई थी ना भाई, कसम खुदा की थैंक गॉड टू माई मेड जो अब मेरे घर पे काम भी नहीं करती, कि उन्होंने तुझसे पानी के लिए नहीं पूछा। अब इसकी बात का मैं तुम्हें असली रिप्लाई देता हूँ। थोड़ी देर पंखे में बैठोगे, बट हाँ ट्रिगर्ड इंसान ने उनको मना कर रखा था इसलिए उन्होंने नहीं। मैंने मना कर रखा था। okay. मैं जब वहाँ पे पहुंची तो मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज अगर मैं उनकी काम वाली भाई को पूछती कि मैं आपकी वीडियो बना लूं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अगर तूने बाय चांस वो वीडियो खुद बनाई भी है तो ये जो तूने मेरी मेड दिखाई है ये क्या चल रहा है, ये क्या है? क्योंकि ये तो उनकी। और अब सबसे बड़ा रिप्लाई तुझ बेवकूफ के लिए, तूने ये वीडियो डाली है जून 9, 2022। मेरी ये वाली जो मेड है गाइस, ये पिछले एक साल से मेरे घर पे काम ही नहीं कर रही है। यार ये वाली मेड 2021 में ही छोड़ के चली गई थी, ये भाग गई थी, इसकी शादी वादी हो रही थी, शी लेफ्ट। एक साल से तो मेरे घर पे ये काम भी नहीं करती, तो जून 9 या उससे दो चार दिन पहले भी लगा ले, तू मेरे घर पे आई और ये वाली मेड मिल गई तेरे को, थोड़ी सी तो अकल में लगा लिया अगर किसी और की वीडियो चेपने से पहले बेवकूफ। ने बोला जो वो दीदी थी, उन्होंने बोला